दोस्तों जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता था तो यहाँ के कॉमेडियंस ने, अमेरिका में कॉमेडियंस ने छलांगे मारना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा था अब हमें कंटेंट के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। इसी तरह विल रॉजर एक बहुत मशहूर कॉमेडियन थे, उन्होंने कहा था कि जब तक गवर्नमेंट मौजूद है मुझे कॉन्टेंट का कोई मसला नहीं होगा, लतीफे बनते रहेंगे और वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी हद तक हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की ये बात ठीक है, हमेशा हमारे सियासतदान कोई ना कोई चीज ऐसी निकाल के लाते हैं जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी होती है और कभी कभी तफन्नुन तबा के लिए भी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जो हमें नामंजूर है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जब से ये आई है रोज कोई ना कोई चीज ऐसी हो रही है, रोज कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जो हमारे सीने पे मूंग दलने के मुतरादफ है। ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो तमाम हरकतें जिनसे इमरान खान ने इस कौम को बचना और उनकी कमजोरियों से और उनकी बुराइयों से हमें रोशनास कराया था और हमें बताया था कि कैसे ये हुक्मरान हमारे हमें लूटते रहे हैं। इमरान खान ने पूरी कोशिश करके अपनी काबीना और सबके साथ मुखालफत मोल लेके उन्हें ट्रेन करके उस पॉइंट पे लाया था कि जी लोगों का पैसा लोगों पे लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी आप लोगों का पैसा अपने आप पे लगाते रहें। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये जराइम पेशा हुकूमत आई है, इन लोगों ने जैसे ये भूखे बैठे हुए थे, पिल पड़े हैं ये खजाने पे जो इमरान खान ने एक एक पैसा इकट्ठा करके लोगों से टैक्स वसूल करो, बरामदात बढ़ाओ, बाहर से बचत करो, इधर से सब्सिडी लो, वहां से डिफर्ड पेमेंट्स लाओ, हर तरह से करके उसने अपने जाती असर और रसूख इस्तेमाल करके कौम के, अपने पाकिस्तान के जो क्रेडिट बैलेंस होता है एक तरह से समझिए, जो फेवर्स हमने दूसरे मुल्कों को की हुई हैं या दूसरे मुल्कों के साथ हमने खारजा पॉलिसी पे अलाइनमेंट की है, उन सबको मिला के जो उसने इकट्ठे किए थे, जब ये लोग इन्होंने मुजरिम मस्खरों ने जब हुकूमत छोड़ी थी 2018 में, तो उस वक्त हमारे फॉरेन रिजर्व्स $9 बिलियन थे, $9 अरब के हमारे पास टोटल रिजर्व थे। और फॉरेन रिजर्व की इतनी ज्यादा अहमियत है कि फॉरेन रिजर्व से आपकी करेंसी की अहमियत या उसकी कमजोरी जाहिर होती है। हमारा एक्सचेंज रेट जो है डिटरमिन करने में फॉरेन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और चूंकि अदायगी का ज्यादातर जरिया हमारे लिए स्पेशली, लेकिन जनरली सबके लिए, दुनिया में ज्यादातर मुल्कों के लिए डॉलर होता है, तो डॉलर की डिमांड डिटरमिन करती है। तो जब इमरान खान ने इतने 3.5 साल की मेहनत के बाद जब उन्हें हमारे, आई डोंट नो, मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है, जिन भी लोगों ने जिन्हें हम फैसला साज हल्के और सास अदारे और ताकतवर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट और ये सब कहते हैं, जिसमें फौज बुनियादी तौर पर फौज है और अदलिया उनका मोहरा है, उन लोगों ने मिलकर जो इमरान खान की हुकूमत को हटाया और ये हम पे मुजरमाना टोला बिठाया, उसके बाद से आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। अभी नई जो बकवास अभी जारी है, या अल्लाह ताला के नाम पे ये एक मजाक हो रहा है इस कौम के साथ। हमारे मुजरिम आजम शहबाज शरीफ ने उमरे पे जाने का फैसला किया, और उमरे पे जाने में उसने अल्ल तल्लों की माँ समझे एक क्रिएट किया, जो उसने पीछे छोड़ दिया सब अयाशियों को अल्लाह के घर जाने के लिए, जहां पे हर इंसान को आजिजी, इनकसार और अपने हक हलाल की कमाई से जाना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं अपने गुनाह माफ कराने के लिए, अपने लिए सवाब लेने के लिए और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होने के लिए जा रहे हैं। हराम के पैसों पे, लोगों के पैसों पे अल्ले तल्लों से जाना इंतहाई मायूब और नामुनासिब, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ये किया है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, नवाज शरीफ हो चाहे वो या शहबाज शरीफ हो, इनके खानदान हो, ये लोग आवाम के पैसों पे अयाशियां करते रहे। तो अब इसने क्या किया, होता यह है कि आप जब भी गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं, सरबराह मामलकत को डिफरेंट वजूहात की बिना पे जाना पड़ता है, और सऊदी अरब का दौरा जब ये उमरा करने जाते हैं तो सिर्फ उमरा नहीं करते हैं, वो वहां पे उनका मिन्नत तरला भी करते हैं, खारजा पॉलिसी होती है उनकी, उनसे डिक्टेशन लेते हैं, अमरीकियों के उनसे चूंकि गहरे रवाबत हैं तो वो एक तरह से अमेरिकन पॉलिसी और अपनी पॉलिसी मिला के हम पे इम्पोज करते हैं। और जैसे सऊदी कोशिश करते हैं कि जी नॉन सऊदी ब्लॉक जिसमें एमरेट्स और सऊदिया और एक दो कुवैत और छोटे मोटे टोटरू से मुल्कों के अलावा बेशुमार मुल्क शामिल हैं, जिसमें ईरान है, बाकी अरब ममालिक हैं, उनसे मलेशिया है, टर्की है, उनसे पाकिस्तान को दूर रखा जाए। जैसा कि आपने देखा पिछले एक सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें
बड़ा इशू बन गया था जिसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। तो बहरहाल इमरान खान ने अपने कैरिश्मा, अपनी सलाहियतें, अपने टैक्ट्स यूज करके उसने बेहतर बनाए थे उन ताल्लुकात। तो ये लोग अब जा रहे हैं वहां पे अल्लाह ताला के घर, वहां इनमें इनके 16 फैमिली मेंबर्स, इनके मुलाजमीन, इनके मसाजी है, इनके मालिशी है, इनके ड्राइवर्स वो शामिल हैं। उसके अलावा जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं जो प्रीटी मच एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती हैं, और वो इनके साथ मिली हुई हैं। इन्होंने मिल के इमरान खान की लेजिटिमेट अक्सरियत वाली हुकूमत को गिराने में किया था। तो उन सबको, ये चोर हैं तो वो चोरों को साथ लेके जा रहा है कि कहीं पीछे से ये लोग कोई नकब न लगा दें या कोई वो ना कर दें। तो इनके साथ ऑलमोस्ट ऑल इत्तेहादी पार्टियों के सरकर्दा लीडर जा रहे हैं, एक दो ने किया। तो इसने पीआईए से कहा है कि जी मुझे बोइंग 777 दे दें जो मोस्ट एक्सपेंसिव तैयारा है। और वो तैयारा सिर्फ नहीं लेते हैं ये लोग, ये नहीं है कि जी आपने तैयारा लिया आप वहां से उड़े चले गए और फिर जब वापस आना हो फिर आप वापस आ गए, पहले 2-4 दिन पहले तैयारा ले लेते हैं। उसमें एडजस्टमेंट की जाती है, सीटें निकाली जाती हैं, इनको इनके लिए सोफे और टेबल्स लगाई जाती हैं जिसमें ये ड्रामा करता है। जैसे इसे शौक है ना मुजरिम आजम को बूट पहन के और हैट लगा के बाहर भागते फिरने का, इसी तरह ये ऑफिस में, जहाजों में, हर जगह बैठ के तस्वीरें खिंचाता है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, पता नहीं वो काम कहाँ होता है और क्या होता है। खैर, तो उसमें ये सारी इनकी अरेंजमेंट की जाती है। फिर उसके बाद ये तैयारा इन्हें लेके जाता है इनके सारे जितने लाओ लश्कर को, जिसमें 77 लोग जा रहे हैं इसके साथ। 77 लोग, तैयारा उधर रहेगा, पहले ये तैयार करेंगे, फिर तैयारा वहां पे रहेगा जब, और फिर जिन्हें लेके आएगा उसमें सारे में इसके लाखों डॉलर खर्च हो जाते हैं। अब मैं आपको ये आइडिया दे देता हूँ कि इनका और इमरान खान जो दौरे करता था उसमें क्या फर्क था। इन्होंने जो एक 14 लाख में दौरा किया है वो इमरान खान ने 1.5 लाख में किया, लाइक 10 गुना कम पैसों में, 10 गुना कम में। वही वजीर आजम, उसी मुल्क का वजीर आजम, और उन्हीं इम्पोर्टेंट लोगों को इमरान खान इम्पोर्टेंट लोगों को साथ लेके जाता था। वो ये सरकारी हाजनों और सरकारी हाजियों और साफियों को और इन लोगों को नहीं ले जाता था जो इनके तलवे चाटते हैं और इनकी बैक किसिंग करते हैं। इमरान खान जरूरी लोगों को ले जाता था और जहां पॉसिबल होता था एम्बेसी में या प्राइवेट जगहों पे रुकता था ताकि पैसे बच सकें। और यहाँ पे अमेरिका में जो उन्होंने इमरान खान ने दौरा किया था, यहाँ पे वो सफीर ने बताया कि ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड एंड सिंपलेस्ट ट्रिप्स ऑफ हिज लाइफ है। और वो सफीर साहब जो 30 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया और बेशुमार सरबराह ने मुमलिकत के साथ किया, उनका जो बहुत सिंपल और सादगी से किया था। और ये अल्लाह ताला के हुजूर जा रहे हैं, रोजा रसूल पे और खाना काबा में ये ज्यारत करेंगे, वहां पे देंगे। उसके लिए इनकी बेगैरतियां और इनकी ऐसे अयाशियां देखें आप। खैर, अब लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे जितने थे, अभी भी हैं, अभी भी बेशुमार हैं ऐसे जो इन लोगों की चक्करबाजियों और मकारियों को नहीं समझते और इनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन लोगों ने फिर बहुत शोर मचाया कि ये क्या तमाशा है, तुम लोगों को जाना है तो अपने खर्चे। इसने फिर झूठ बोला, इसने, इनकी जो झूठों की अम्मा है सबसे बड़ी मरियम औरंगजेब, उसने कहा कि जी वो तो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, इनका बाप भी कभी ये खर्चा बर्दाश्त ना करे, मुलाजमों, ड्राइवरों, नौकरों, मालशियों, बावर्चियों और ये अपोजिशन के लीडरों, नॉट अपोजिशन, अब तो खैर ये इनके इत्यादि हैं, उन लोगों के, उनका खर्चा, जहाज चार्टर, पीआईए का बोइंग 777, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरप्लेन्स इन द वर्ल्ड, उसे चार्टर करके और उसके पैसे अपनी जेब से देंगे। लेकिन ये फ्रॉडियों और मुजरिमों का टोला, ये हमेशा झूठ बोलते रहे और झूठ बोलते रहेंगे। आपका काम यह है कि इन्हें किसी भी पॉइंट पे इजीली कोई भी ऐसी ये चक्करबाजी या ऐसी नकब ना लगाने दें। ये हमारे पैसे हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं ये पैसे, और हम लोगों ने इमरान खान पे, उनकी कैरेक्टर पे, उनकी इंटेग्रिटी पे एतबार करके हमने देने शुरू किए थे। लेकिन ये मुजरिम जहाँ भी इन्हें मौका मिलेगा ये ऐसे ही खाते रहेंगे पैसे। इसलिए हमें इन पे नजर रखनी है, हमें इनका एहतसाब करना है और हमें इनके गले में इवेंचुअली रस्सी डाल के इन्हें घसीटना है वर्चुअली। इसने तो कहा था ना मुजरिम आजम ने कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के और पता नहीं घसीटूंगा लड़का ना और इधर की सड़कों पे और पैसे निकाल लूंगा, वो झूठ था सारा। लेकिन हमें ये करना है, जिस दिन जैसे जब हमें वो मौका मिल गया हमें ये करना है, इनसे हमें अपना हक वापस लेना है। अपने फीडबैक से, अपने कमेंट से हमें किसी
आगाह कीजिए हमें, प्लीज बताते रहिए आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम लोग